सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आपने देखा कैसे हम लोगों ने पिछले सप्ताह 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व बड़े धूमधाम से मनाया है ना, स्वतंत्रता दिवस। यहाँ तक कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में भी सेलिब्रेशन की थी। आपने देखा होगा 15 अगस्त को आपकी सोसाइटी में, बाजार में, यहाँ तक कि पूरा देश तीन रंगों में डूबा हुआ था, केसरिया, सफ़ेद और हरा। उस दिन आपने देखा किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किए थे। तो आज हिंदी कक्षा में सुधा मैम आपको अपने देश के ध्वज, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, उसके विषय में कुछ जानकारी देगी। तो चलिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ बातें करते हैं। हर एक देश का अपना एक विशेष झंडा होता है और यह देश की एकता का प्रतीक होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसे हम तिरंगा कहते हैं, क्योंकि यह तीन रंगों से मिलकर बना है। और जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय ध्वज अपने देश के एकता का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि सारे लोग एक हैं और सबसे पहले अपना देश आता है। तिरंगा तीन रंगों से बना है। आप इसमें तीन रंग देख सकते हैं, पहला केसरिया, फिर सफ़ेद और तीसरा हरा। पर इसके पीछे भी एक कहानी है, पता है? सबसे पहले जिसने तिरंगा का रूपरेखा तैयार किया, डिज़ाइन किया, वो है पिंगली वेंकैया जी ने। इन्होंने सर्वप्रथम अपने देश के ध्वज के बारे में सोचा और उन्होंने डिज़ाइन की। और हर रंग कुछ ना कुछ कहता है और हमें एक मैसेज देता है। जैसे केसरिया रंग ये कहता है कि हम वीर हैं, यह वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद सच्चाई का प्रतीक है, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। और हरा हरियाली का प्रतीक है, वो ये कहता है कि हमारा देश हमेशा हरा भरा रहेगा। ये तो हो गई तीन रंगों की बात, जो हमें संदेश देते हैं। हर रंग कुछ कहता है, जो आप जान गए। अच्छा, अब आपको बीच में अशोक चक्र दिख रहा होगा। हाँ, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। और अशोक चक्र पता है क्या संदेश देता है? वो ये संदेश देता है कि हमेशा हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा प्रगति पे चलते रहना चाहिए, प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए। जिस तरह से चक्र हमेशा गतिमान रहता है, चलते रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, देश के लिए ये ज़िंदगी को समर्पित करना चाहिए। तो आपने देखा तिरंगे की कहानी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आपको सुधा मैम से एक प्रॉमिस करना होगा, अपने देश के लिए मेहनत कीजिए, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कीजिए और स्वस्थ रहिए। अब एक छोटा सा कार्य है जो आप अपने हिंदी गतिविधि नोटबुक में करेंगे। आपको अपने देश की ध्वज, उसके चित्र बनानी है तथा उसमें रंग भी भरना है, और उसके पश्चात आप अपने क्लास टीचर से शेयर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।